न्यूज डिवाइन के जुलाई एपिसोड में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं आपका साथी राकेश। नमस्कार, धन निरंकार। दोस्तों, किसी शायर ने कहा, रस्म उल्फत सिखा गया कोई, दिल की दुनिया पे छा गया कोई, ता कयामत रूह में जो रोशन रहे, ऐसे चराग जला गया कोई। जी हाँ, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का समस्त जीवन और उस संपूर्ण महान जीवन का एक एक पल पूरे संसार में प्रेम, भाईचारा और शांति स्थापित करने के लिए ही समर्पित रहा। द एंटायर लाइफ ऑफ बाबा हरदेव सिंह जी हैज़ बिकम एन एपिटमी ऑफ सेंटली लाइफ विच वॉज लिव्ड टू एस्टैब्लिश ह्यूमननेस थ्रू वननेस, दस अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ हारमोनियस सोसाइटी वेयर पीपल लिव नॉट टॉकिंग अबाउट ईच अदर, rather talking to each other with love and compassion. Today, along with the entire Nirankari mission, the whole world is talking about the life and teachings of His Holiness Nirankari Babaji. Because Babaji touched the lives of millions through His messages, through His touch, through His smiles, and through His grace. We will all continue to be inspired and motivated by these blessings of His Holiness, with a renewed enthusiasm to follow the path laid down by the Master and continue to contribute in making this world a better place to live under the divine and blissful aegis of Her Holiness Mata Savinder Hardev Ji Maharaj. Let us begin the journey of News Divine of this episode with the headlines of the month. Sadguru Ashish, Tribute to Humanness, SNCF Diary, एक खास मुलाकात एंड अदर न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। मित्रों, सदगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज के पावन सानिध्य में जहां एक और मिशन का कारवां भक्ति के पावन पथ पर निरंतर अग्रसर है, वहीं सदगुरु के प्रवचनों से मिलने वाली नई ऊर्जा सभी को प्रेरित कर रही है। मां के मुखारविंद से प्रकट होने वाले शब्द जहां समस्त निरंकारी परिवार को सहारा देते हैं, वहीं कुछ ऐसे सूत्र भी सहज में समझा देते हैं जिनका अनुसरण करने से जीवन अवश्य आनंदमय बन सकता है। आइए देखें सदगुरु माता जी का प्यार और अनुकंपा कैसे भक्तजनों को धीरज और भक्ति से सराबोर कर रहे हैं, न्यूज डिवाइन के इस सेक्शन में जिसका नाम है सदगुरु आशीष। समय का सदगुरु सदैव मानवता के कल्याण हेतु समर्पित होता है और सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का संपूर्ण जीवन ही इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण है। हुजूर बाबा जी के पद चिन्हों पर चलते हुए सदगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज भी भक्तों पर हर संभव अपनी पावन कृपा बरसा रहे हैं। प्रत्येक रविवार को दिल्ली के बुराड़ी रोड स्थित ग्राउंड नंबर 8 में आयोजित होने वाला सत्संग कार्यक्रम 5 जून को सदगुरु माता सविंदर हरदेव जी की छत्रछाया में संपन्न हुआ। यहाँ पर दिल्ली व दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों से भरपूर संख्या में संगतों का आगमन हुआ। लंबी लंबी पंक्तियों में श्रद्धालु भक्त सदगुरु माता जी के दर्शनों हेतु बढ़े चले आ रहे थे। भक्तों ने अपने हृदय के भाव गीत, व्याख्यान और कविता के माध्यम से सदगुरु माता जी के समक्ष प्रकट किए। सत्संग कार्यक्रम के अंत में सदगुरु माता जी ने अपने आशीर्वचनों में फरमाया, सात संगत जी धनंकार, सात संगत जी अवतार वाणी में हम सुनते हैं, सबर सिदकदा चोला होवे तेरा एक सहारा रे, साधु रह के दुनिया कमल में आ रहा है। सात संगत जी, हमने लाइफ की हर सिचुएशन में निरंकार का ही सहारा लेना है, अपना प्यार और पेशेंस और कभी नहीं छोड़ना, भाने में रहना है। जैसा गुरसिख बावई चाहते थे हम सब बने, वैसे ही बनना है। शायद पीकल जी की लाइन है, यूं भीड़ में रहें हम ना भीड़ से रहें हम, अपनी महापुरुषों की बावई के गुरसिखों की आइडेंटिटी हम बनाए, एक लिविंग एग्जाम्पल बने। इसी प्रकार 12 जून को भी ग्राउंड नंबर 8 में आयोजित सत्संग कार्यक्रम में सदगुरु माता जी की भरपूर कृपा बरसी। भक्तों के मुखारबिंद से देर तक सदगुरु बाबा जी के प्रति कृतज्ञता और सदगुरु माता जी को समर्पित गीत, व्याख्यान और कविताओं की लड़ी चलती रही।
बाबा जी हमें दुनिया को दीवार रहत देखना चाहते थे, ए वर्ल्ड विदाउट वॉल्स देना चाहते थे, हारमनी इन वननेस देना चाहते थे, एकत्व देना चाहते थे, पीसफुल को एग्जिस्टेंस देना चाहते थे, अमन से रहना सिखा रहे थे। और उसका एक ही सिद्धांत था, मूल था, कि इस निराकार प्रभु परमात्मा से जुड़ो। और इसी प्रकार 26 जून को भी ग्राउंड नंबर 8 में सत्संग कार्यक्रम आयोजित हुआ और भक्तों को सद्गुरु माता जी का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त हुआ। गुरुदेव मास विंदर सेहत तुम्हारी चाहे, रहमत तुम्हारी चाहे, रहमत तुम्हारी चाहे। अंतिम दौर में परम ममतामयी सद्गुरु माँ ने भक्तों को भक्ति पथ पर दृढ़ता से चलने की प्रेरणा देते हुए कहा, हर एक महापुरुष ने इस मिशन का अब रोशन मीनार बनना है, और रोशन मीनार बनने के लिए कोई स्टेटस या कोई ओहदे की ज़रूरत नहीं है। हमारा जीवन ही ऐसा हो कि जो भी हमें देखे वो बोले, अच्छा ये निरंकारी महापुरुष है, ये बाबा हरदेव सिंह जी का शिष्य है। फ्रेंड्स, सदगुरु बाबा जी अनाउंस्ड द सेकंड NIS इन द मंथ ऑफ अगस्त 2015 एट द पियर्सन कन्वेंशन सेंटर टोरंटो कनाडा। दो द NIS कुड नॉट बी सेलिब्रेटेड एज इट वुड हैव बीन इन प्रेजेंस ऑफ बाबा हरदेव सिंह जी, बट द वर्ड ऑफ द मास्टर वाज इसेंशियली मटेरियलाइज्ड व्हेन द सेम गॉट कन्वर्टेड इनटू अ ट्रिब्यूट टू ह्यूमननेस हेल्ड इन टोरंटो। दोस्तों, किसी एक साथी भक्त ने यह सवाल कर लिया कि क्या हम ह्यूमननेस को ट्रिब्यूट दे रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। दोस्तों, शब्दों की भी एक अनोखी दुनिया है। जहां एक और ट्रिब्यूट का अर्थ श्रद्धांजलि होता है, वहीं ट्रिब्यूट का अर्थ होता है सम्मान देना। और यह समागम सम्मान था बाबा हरदेव सिंह जी के महान जीवन का। दिस 5-day कन्वेंशन वॉज एन एक्सप्रेशन ऑफ एस्टीम एंड रेवरेंस टू द एरा कॉल्ड हरदेव। With the divine blessings of Sadhguru Mata Savinder Hardev Ji, the tribute to humanness Samagam was held from 29th June 2016 till 3rd July 2016 in various phases. Let's take a look at this report. The tribute to humanness was a multi-day inspirational program featuring devotional concerts, creative arts, health events, and an international conference giving tribute to the life and teachings of His Holiness Baba Hardev Singh Ji and to His message of humanness, highlighting the values and virtues which we should all live by every day. This 4-day convention started with a global wellness festival on June 29th at the Harbourfront Centre in Toronto. With the activities that empower the body, mind and spirit, the event was attended by more than 5,000 people from all over the world. The event took place on a 3-acre spread out land. Devotees from various branches of the world united together in the spirit of oneness to pay a tribute to Sadhguru Baba Hardev Singh Ji Maharaj, also including onlookers and the people not associated with the mission, who appreciated the efforts and also joined the mega event. The global wellness event started with global wellness 5-kilometer run from Maryland Bell Park along Toronto's Lake Ontario. 2,000 people registered and participated in this run. The enthusiasm and the spirit of saints was amazing. International runners here representing His Holiness's message, yes, raising our human race. Yeah. So why are you here? Why is it so important to have traveled all this way to be here? I think it's all about being together, and the journey is from oneness to humanness, and there can't be humanness without oneness, without the feeling of that realization of one. Equality between humans, between boys and girls, having everyone to be equal, having everyone to be treated the same way. Sadhguru ke dwara diye gaye nirankar prabhu ke simran ke saath hi wellness run ka shubharambh hua. On your mark. Get set. Go. One, two,
इस सांकेतिक दौड़ में अनेक देशों से पहुंचे भक्तों ने एकत्व और मानवीयता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया। चिल्ड्रन, यंगस्टर्स, एल्डरली ऑल took part in the run, finally touching the finishing line. Though everyone was a winner in spirit, but the actual winners were also later rewarded at a ceremony. Just want to say thank you. It was a fantastic race, fantastic cause. I had my brother here running with me the whole way, inspiring me. And that was just a message that our Babaji was teaching us to run shoulder to shoulder, be together going forward. So thank you. I had a really great event. First of all, we're gathered here to pay tribute to humanness. And of course, we're celebrating His Holiness, Baba Satguru Baba Hardev Singh Ji's life. And feel so proud, feel so blessed to be part of this. And, you know, if you are fit, your own self is fit, I think you're able to help other people. So I think fitness really plays a big role. Around 12:30 p.m., there was a bubble show for kids where professionals came and played tricks with bubbles, which by the fun medium reminded of His Holiness Baba Hardev Singh Ji's teachings that life is fragile like a bubble and we should live it with humanness. Music, which is an integral part of our lives and connects every human being to one another with its universal language, mesmerized the audience through a musical concert called Chords of Humanness. Here too, the messages of His Holiness were shared. The Humanness Anthem song was also performed here, which connected every soul with the Almighty Nirankar. Every heart was singing for the Master, who touched all these hearts with love. Life is truly precious, cherish every soul. The event also included a session on yoga for life, emphasizing on fitness of body and mind through various postures, breathing exercises, relaxation and meditation. A panel of professionals helped people with health issues and gave information on the healing effects of medicine. People also got opportunity to avail the benefits of chiropractic medicine. Kids dressed up as their favorite superhero for superhero dance to celebrate the human values that define a hero and paid their tribute to their superhero, His Holiness Baba Hardev Singh Ji Maharaj. My superhero, Babaji. There were also other activities like storytelling and crafts to keep the kids engaged. So what did you learn today from this book that you read? We can share toys and stuff like that. And are you gonna share it with your brothers and sisters after reading this book? Yes. Sharing is caring. The lesson that we have learned from the story is that we have to spread love and affection to everyone. A tribute to humanness exhibition by Holy Daughter Renuka Nirankari was also displayed at the occasion, where various aspects of humanness and devotion as taught by Sadhguru Baba Hardev Singh Ji were depicted beautifully. Today's last piece was a beautiful performance by Alisha Brilla, a critically acclaimed Indo-Tanzanian-Canadian multidisciplinary artist who won many hearts with her amazing talent.
On the 1st of July, which was also the Canada Day, the second event of the tribute to humanness was held, which was attended by 4,500 people across the globe. The event started with a Canada Day parade, where more than 300 saints of the Nirankari mission participated to spread the message of humility, peace, love, tolerance, and faith. With 13 separate acts and a float of the Fountain of Oneness, everyone walked 1.3 kilometers, where various communities appreciated His Holiness Baba Hardev Singh Ji's vision of humanness. In large numbers, people came forward to meet our volunteers to know more about the mission. At the City Hall, the Mayor of City of the Niagara Falls, Mr. Jim Diodati, paid homage to His Holiness Baba Hardev Singh Ji. He also presented the key to the City Hall to the Holy Sisters, representing Sant Nirankari Mission, thereby welcoming them to the city anytime and conferring them with the city's highest honor. He confirmed that this is the first time that the city of Niagara Falls has collaborated with a third party to host an event like this. Niagara Falls ka vishal jharna mano natmastak ho raha tha Baba Hardev Singh ji ke jeevan ke prati. Ek ek boond jaise nagme ga rahi thi us prem ke jise Baba ji ne sabhi mein baanta, us karuna ke जो सदगुरु के कोमल हृदय का स्वभाव था, उस श्रद्धा के जिसके सहारे लाखों भक्त जीवन की कठिन से कठिन चुनौती को सहज में ही पार कर जाते। उस दिन ऐसा लग रहा था मानो इंद्रधनुष के सातों रंग मिलकर वैसे ही मुस्कुरा रहे हों, जैसे बाबा जी अपने भक्तों को देखकर मुस्कुराते थे। संगीत की तान में जहाँ एक और उदासी थी, वहीं संकल्प के स्वर भी थे जो विश्वास दिला रहे थे कि मानवता की यह अमृत धारा निरंतर सदगुरु माता जी के सानिध्य में इसी प्रकार बहती रहेगी। The One World Music Concert was conducted to celebrate unity in diversity. The Niagara Fall Commissioner and the Mayor also paid their tributes on the occasion to His Holiness Babaji. They also visited and greeted the devotees at the concert. The concert started with the National Anthem of Canada and included multicultural performances by various artists. The high point of the evening was the Sufi Sangeet by Magar Ali that connected each heart with Sadhguru Baba Hardev Singh Ji Maharaj and his message. छुड़ाए जात हो जो निर्बल जान के मोहे हृदय में से जाइए तो मैं जानू तो है। The event also showcased the Humanness Anthem song. Today is July 2nd and I'm currently here at the Toronto Centre for Oneness where the Sevadal Rally is about to begin. This Centre for Oneness has a very rich history. It was actually inaugurated by His Holiness Sadhguru Babaji himself in July of 1985 so that the saints abroad in the Greater Toronto Area may have a place to congregate and attend satsang.
Today, the Sevadal rally is about to begin, and delegates as well as volunteers from around the globe have gathered to not only partake in this event, but also tribute to humanness. On the 2nd of July, a Sevadal rally was organized at the Center for Oneness in Toronto, Canada, where over 1,000 volunteers serving in the tribute to humanness participated. Rally was held as per the standard practice with PT parade, marching song and skits. Rally mein prastut hone wali sabhi items mein Sadguru Baba ji ke sandesh ko itni bakhubi se samne rakha gaya ki sabhi ke man zimmedari ke bhav se abhibhut ho uthe. Anek roopon mein Gurudev ki shikshaon ko abhivyakt kiya gaya. रैली को संबोधित करते हुए भारत से आए हुए नौजवान प्रचारक राकेश मुटरेजा जी ने बाबा जी की शिक्षाओं को उजागर करते हुए कहा, अभी सुन रहे थे महात्मा कौशल दे रहे थे सेवा दल के, दल सावधान, दल खड़े हो। बाबा जी ने अपने विचारों के अंदर निरंतर हमें कौशल ही तो दिए, बार बार कहा प्यार करो, बार बार कहा निम्रता से रहो, व्हाट वर दीस, ये सब कौशल ही तो कर रहे थे, समझा ही तो रहे थे, चेतावनी ही तो दे रहे थे। प्यार नहीं करोगे तो नफरत में लड़ जाओगे, नफरत के अंदर बह जाओगे, इसलिए एक दूसरे के साथ प्यार करो। इट इज टाइम नाउ टू फॉलो द कॉशन, फॉलो द टीचिंग्स ऑफ द सतगुरु, सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी, एंड टुडे मैनिफेस्टेड एज सतगुरु माता सरेंद्र हरदेव जी। सेवादल मेंबर्स फ्रॉम द यूके, यूएस, Canada, India, and other parts of the world participated in the rally. The Heart and Stroke Foundation also gifted a life-saving auto defibrillator machine to Holy Sisters for the Toronto Bhavan, as they had promised His Holiness Babaji last year. इस योगदान के लिए मेहमानों और सेवा दल का धन्यवाद करते हुए होली सिस्टर बहन बिंदिया छाबड़ा जी ने फरमाया, आज इस रूप में जो हम सब सेवादल की जो रैली के रूप में यहाँ सब इकट्ठे होके बैठे हैं, यही ये भी दातार की कृपा ही है, क्योंकि सेवा जो है वो ऐसा एक कार्य है जिसकी बात बहुत करनी चाहिए, जिसको सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि हजूर हमेशा विचारों में फरमाते थे कि ये जो सेवा है वो भागों से मिलती है। तो ये जो सेवाएं हैं, जैसे हुक्म आए, हुक्म में रह के हम सब सेवा कर सकें, तो आप जी कृपा करो कि हम सब भी इस ऊँचे सूचे मिशन की, आप महापुरुषों की, हम सतगुरु माता जी की, हम सब मिल के सेवा कर सकें। और जो ऊँचाइयाँ, जो विजन हमारे सतगुरु ने हमारे लिए देखा था, तय किया था, हम वहाँ पे भी पूरा उतर सकें। The evening saw another program of Sufi Sangeet being held in the remembrance of His Holiness Baba Hardev Singh Ji. We are here at the Pearson Convention Centre in Toronto, and today is the fourth day of the tribute to humanness, the final day. Many saints from across the world are here today to pay their tribute, to show their love, Gursikhs, Bhakts, devotees from all across the world, to show their devotion to Satguru Baba Hardev Singh Ji Maharaj.
Over 6,000 attendees gathered at the Pearson Convention Center to pay tribute to His Holiness Baba Hardev Singh Ji. It was a very emotional moment for the saints, as this was the same place where NIS 2 was announced a year ago by His Holiness. Devotees fondly share their unique experiences with Sadhguru Babaji. With the help of many languages, they express their emotions and the teachings of His Holiness Sadhguru Baba Hardev Singh Ji in the forms of poems, speeches and songs. Many dignitaries from various organizations and communities also came forward to pay a tribute to His Holiness. The love that Babaji gave to everyone was seen in their eyes, their voices and their actions. A vision of oneness. He gave us that view that actually do not chase after things, chase after the origin of things. That which does not come and go, jo kayam dayam hai, jo kabhi aata jata nahi. Today's tribute to humanness is dedicated to the life and teachings of His Holiness Nirankari Babaji. As I understand it, Sadhguru Mataji told followers to be in harmony with each other and to take ahead the Nirankari mission as Babaji wished. From what I have witnessed today, those wishes are being carried out. There is no doubt His love for humanity will be everlasting. Ke basti dil ki duniya sada abad rehti hai. Kabhi na shad nahi hoti, sada hi shad rehti. Jism se dur hone par bhi dil se juda nahi hote. कि जिंदाबाद मरने के भी जन की याद रहती बसे हरदेव जी हैं इसमें कोई शक कोई शुबा नहीं पर ये भी उतना ही सच है कि हुए वो हमसे जुदा नहीं एक का दे दीप जगन फैलदा जाए मिशन जी ने सतगुरु के संदेश को कुछ इस प्रकार साझा किया। तो यहाँ पर जो सभी भक्त बैठे हैं, सभी उनके बच्चे बैठे हैं, हृदय से ट्रिब्यूट दे रहे हैं कि हे सतगुरु, हे दीनदयाल, कृपा करो हम पे, हमारी गलतियाँ माफ करो, अब तक जो हम नहीं कर पाए इतनी शक्ति दो कि हम वो कार्य कर पाए। इसमें कोई शक नहीं कि वो काम जो इन्होंने कहा है वो बहुत ही कठिन है, बहुत कठिन। अपनी मैं को छोड़ना, अपने अहंकार को त्यागना, पीछे हो जाना, दूसरे को आगे करना, ये बहुत ही कठिन है। ये तभी मुमकिन हो सकता है जब ये हमें शक्ति दे, जब इसका आशीर्वाद भरा हाथ हमारे सर पे हो, तभी ये कार्य मुमकिन हो सकते हैं, वरना मुमकिन नहीं हो पाते। तो हमको तो
सद्गुरु ने सासंगत जब राजमाता जी का हुआ था, जब हमसे बिछड़े थे शारीरिक रूप में, तो हजूर ने फरमाया था कि संगत माँ है और जो भी मांगना है संगत से मांगो, जो भी अपने दिल का हाल रखना है संगत के आगे रखो और ये संगत का आशीर्वाद ही तुम्हें बचाएगा। तो सासंगत आज संगत माँ से भी यही मांगते हैं कि कृपा करो कि ऐसा जीवन जी पाए जैसा ये चाहते थे, तो बख्शिश करो ऐसा जीवन जी पाए जैसा सद्गुरु चाहता है, जैसे हमारे सद्गुरु पूज्य सासंगत माता सविंदर जी चाहती हैं वैसा हम चल पाएँ। और आज इस टोरंटो में इस हॉल में सासंगत आकर यही महसूस हो रहा था कि जैसे हजूर यहीं हैं, कहीं नहीं है, हमारे साथ हैं। महात्मा बता रहे थे कि NS2 की अनाउंसमेंट भी इसी हॉल से की गई थी और आज हम ट्रिब्यूट दे रहे हैं उन्हीं को। सासंगत और अवनीत जी सासंगत, वो भी जो उनका ध्यान था कि मैं भी चाचा प्रताप सिंह जी के जैसे मेरा जीवन हो, सासंगत वो भी अपने निभा गए गुरु चरणों में। दातार कृपा करे हम सब की भी निभ जाए इनके दर पे और उसी तरह से जैसा ये चाहते हैं। ट्रिब्यूट टू ह्यूमननेस के समागम पर एक विशेष प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के जीवन, निरंकारी मिशन की विचारधारा व अनन्य भक्त अवनीत जी के जीवन पर आधारित चित्र प्रदर्शित किए गए। The Tribute to Humanness Samagam also showcased two documentaries, one on the history of the mission and other on the life of His Holiness Babaji, which touched every soul. Each and every saint was overcome with emotions. Every saint had their own story of grace. His Holiness touched each and every soul and filled all the hearts with love. Tribute to Humanness ke is Shraddhanjali Samagam mein एक बार फिर हर आंख नम हो उठी, हर दिल रो उठा, हर माथा झुक गया, हर निगाह निसंदेह उस चेहरे की खोज कर रही थी जिसे जहन में लाए बिना शायद आज भी नींद नहीं आती। हर आंख में उस मुस्कान की आस थी जिससे बुझ जाती हर प्यासे मन की प्यास थी। पर सद्गुरु माता जी के पावन आशीर्वाद के बाद हर चेहरे पर एक बार फिर से संतोष रूपी आभा ने स्थान ले लिया। सात संगत जी, प्यार से कहना, धनंकार जी, यू हैव गैदर्ड हियर बिकॉज ऑफ योर ग्रेट लव फॉर बाबा जी। ही मे नॉट बी फिजिकली प्रेजेंट हियर बट विल ऑलवेज रिमेन विद अस थ्रू हिज टीचिंग्स विच वी हैव टू फॉलो। द लव ही गेव टू ईच एंड एवरी वन वॉज अनफॉरगेटेबल। His smile gave us so much energy and it filled us with positivity. Babaji's day would begin with reading the messages and mails of the Mahapurush and even the handwritten notes, or no matter how big they were. He travelled far and wide to spread the mission, sacrificing his comforts and sleep. And sometimes the roads were not very comfortable also initially. Sangat meant more than the family to him. He taught us it's not just the relatives that are the family. He used to say the Sangat is a large, one big family. As the Avtar Vani says, Satgur nu sikh pyare apne puttar diyan to. Each one of you is Babaji's family. This is how he felt. I pray to Nankar to give me strength also to love you all as he did. He had love and respect for the young and elders. His vision was and still is that youth should work hand in hand with the elders. The energy and strength of the youth
and wisdom of the elders should be used to take the mission forward with lots of love and humility and compassion. All these goals have to be achieved with that only. I was lucky enough to spend so many years with him. He made a perfect balance as a father, son, brother, husband. But he felt happiest when he was amongst you all, saints. Now we have to take this oath as one big family of Babaji that we will do whatever he wanted from us with dedication. Converting all egos into humility, because ego is the worst enemy you can have, and thus share true love with everyone. None is without love in the heart, but it's the ego that sometimes overpowers it. A few days back, the children were singing, "We shall walk hand in hand someday." Why wait for someday when I do believe in my heart that saints don't have to wait for someday? With Nankar's blessings, you all can bring that world together very soon, and a world without walls. You all have given me so much love and affection, and I must confess I need all your love and energy to fill all goals set by Babaji. Last year jab hum Niagara Falls gaye to abhi bhi saath tha, and Niagara ke bare mein usne kaha ki Niagara ki sundarta isliye hai ki itna vishal hoke bhi wo niche jhuka hua hai, aur agar yahi pani ऊपर आ जाए तो कोई दो मिनट भी इधर ना ठहर पाए। अभी ने अपना हर रिश्ता एक कुर्सी की तरह निभाया। Let us all focus on the spirituality and teachings given to us by Shahanshah Ji, Baba Gurbachan Singh Ji, Rajmata Ji and Baba Hardev Singh Ji. Rajmata Ji also played an important role to spread the mission. She gave love to all. Now, all you saints are working tirelessly to spread the mission. We have to keep a focus on Nankar, and then everything else will fall into place. Saat Sangati, jitni jarurat bachchon ko maa ki hoti hai, utni hi maa ko bachchon ki bhi hoti hai. Aisi hi guru ko sangat ki hoti hai. Aur mission ko aage badhane ke liye sab sangat ne mil jul kar ekta aur positivity ke saath aage badhna hai. Nankar kirpa kare, सब महापुरुष सेवा सिमरन सत्संग में आगे से आगे और बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। यहाँ पे जो इतना बड़ा कार्य हो पाया है ट्रिब्यूट टू ह्यूमननेस, इट्स ऑल ड्यू टू योर लव एंड डेडिकेशन। चाहे वो सेवा दल है या संगत के महापुरुष हैं या कोई और मेंबर्स जिनकी ड्यूटी लगी थी, और आगे भी सबने ऐसे ही मिलजुल के सारे कार्य निभाने हैं। I would also like to thank all the delegates who are present here. I would like to say one thing more as a tribute to Babaji. Babaji hum se ek umeed aur rakhte the. Duniya ke kisi bhi hisse mein rehne wala unka gursik nashile padarthon se dur rahe. Humne in aadeshon ko zindagi ka hissa banana hai. Now let's pledge as a tribute we should keep away from whatever Babaji wanted us to keep away. Sat Sangat Ji, Dhan Namkar. Friends, before we move further in News Divine, it is time for a message. Join us on the other side of this short break. Welcome back, viewers. In the next section of News Divine, we are going to share with you the social dimensions of the missions activities which are being done by the Sant Nirankari Charitable Foundation. Here is a report for the section SNCF Diary. SNCF yani Sant Nirankari Charitable Foundation ki or se heal, enrich and empowerment par zor dete hue June ke mahine mein bhi भिन्न भिन्न क्षेत्रों में सामाजिक कार्य किए गए।
ब्लड डोनेशन की लड़ी में जून के महीने में दिल्ली में स्थान स्थान पर ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाए गए, जिसमें निरंकारी भक्तों ने भरपूर संख्या में रक्तदान किया। इसी प्रकार ये रक्तदान शिविर देश के विभिन्न शहरों में लगाए गए, जिनमें पंजाब में डेराबसी और पौंटा साहब, राजस्थान में श्री गंगानगर, हरियाणा में रादौर, यूपी में गाजियाबाद, महाराष्ट्र में पुणे और अमरावती, मध्य प्रदेश में मांडला और दोमुहा, उत्तराखंड में देहरादून, छत्तीसगढ़ में रायपुर और इसके अलावा जम्मू कश्मीर मुख्य स्थान रहे। निरंकारी मिशन द्वारा रक्तदान में सर्वाधिक योगदान के लिए 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे पर छत्तीसगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा मिशन को सम्मानित किया गया। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से 5 जून को मुंबई में आई चेकअप कैंप लगाया गया, जिसमें अधिक संख्या में लोगों ने इसका लाभ उठाया। इस कैंप में SNCF के वॉलंटियर्स ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और हर व्यवस्था में भरपूर योगदान दिया। इसी प्रकार 8 जून को हैदराबाद में अस्थमा से पीड़ित लोगों के लिए एक फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें अस्थमा से पीड़ित लोगों को यथासंभव राहत पहुंचाई गई। इस कैंप में भी भरपूर संख्या में लोगों ने पहुंचकर लाभ उठाया। SNCF की ओर से 9 जून को आपदा प्रभावित स्थान टिहरी गढ़वाल में स्कूली बच्चों के पढ़ने हेतु शेड लगाया गया तथा सहायता राशि प्रदान की गई। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से 11 जून को स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत का 8वां चरण का सफाई अभियान चलाया गया। इस अभियान में मिशन के सेवादारों और SNCF के वॉलंटियर्स द्वारा राजधानी दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की विधिवत रूप में सफाई की गई। इसी प्रकार ये स्वच्छता अभियान मुंबई के अनेक रेलवे स्टेशनों पर चलाए गए। यहाँ पर SNCF के वॉलंटियर्स ने उत्साहपूर्वक इन स्टेशनों के हर परिसर की सफाई की। दिल्ली और मुंबई के अलावा ये सफाई अभियान देश के अनेक रेलवे स्टेशनों पर चलाया गया, जिनमें अजमेर, इलाहाबाद, बेंगलोर, बेगमपीट, ग्वालियर, हैदराबाद, इंदौर, जयपुर, लखनऊ, मथुरा, नागपुर, पुणे, रायपुर, उदयपुर, वडोदरा व वाराणसी मुख्य स्थान रहे। मेरा नाम संदीप है। आई एम वर्किंग एज अ फोटोग्राफर इन Amazon जॉइंट वेंचर। और यहाँ पे जितने भी हम सारे लोग आए हैं, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी बिजनेस फील्ड से हैं। कोई स्टूडेंट है, कोई किसी IAS की तैयारी कर रहा है, कोई SSC की तैयारी कर रहा है, और इतना ही नहीं, कुछ ऐसे भी हैं जो डेली वर्कर्स हैं, जो कि पूरा दिन वर्क करके और शाम को ही अपना सारा जुटा के खाने पीने के लिए भी अरेंज कर पाते हैं। सारे मिल के साथ संग ये सेवा कर रहे हैं, और सिर्फ इसके लिए नहीं क्योंकि किसे कुछ हमें बेनिफिट है या कुछ है, सिर्फ और सिर्फ हमारे बाबा जी का ये आदेश है। जो एक आसपास का हमारा वातावरण है, हमारे मन और हमारे विचारों के साथ साथ वो भी क्लीन हो सके। हम अपने देश को स्वस्थ बनाना चाहते हैं, साफ़ सुथरा बनाना चाहते हैं, ताकि हमारा देश आगे बढ़े, हर चारों तरफ साफ़ सुथरा हो। हमें भी गर्व होता है कि हम भी बाबा जी के भक्त हैं, कि हम बाबा जी के आदेश के अनुसार हम अपना कार्य करते जा रहे हैं। मैं बलबीर सिंह यहाँ पे लाइसेंस पोर्टर इंस्पेक्टर वर्क कर रहा हूँ, और आज मेरी इन संत निरंकारी सेवा दल के साथ मेरी ड्यूटी भी लगी है, जो कि मैंने ये देखा है कि यहाँ ये अपना निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। ये इनका एक कर्तव्य से बना हुआ है कि हम अपने बाबा जी का उनके सपनों को जो पूरा कर रहे हैं, हर जगह बहुत ही निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। आई एम नीरज कुमार, एयरफोर्स में हूँ, प्रेजेंटली पोस्टेड इन पुणे, यहाँ दिल्ली का लोकल हूँ। काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ निरंकारी मिशन जो है इस तरह की सेवाएं दे रहे हैं, और देख के अच्छा लगा। जागरूकता आएगी इससे, हम सभी लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा है। इससे हम सभी को शिक्षा लेनी चाहिए कि इसी तरह से हम किसी ना किसी तरीके से सामाजिक कार्यों में सहयोग करें। बहुत अच्छे निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन में सफाई कर रहे हैं, और बहुत अच्छा है वैसे। माई नेम इज़ अक्षय एंड करेंटली आई एम डन विद माई मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स। It's very important to create awareness, and cleanliness is one of the most important aspects in our environment. If the environment is clean, obviously we'll be getting that positive energy. So that is why I feel that it's very important, and the mission is doing very hard work in creating awareness among the people regarding this cleanliness drive. यहाँ बहुत गंदगी पड़ी थी, रहती थी पहले, आज इतनी सफाई हो रही है यहाँ पे, जो पूछो मत, सारी गंदगी साफ हो गई, तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा इनको देख के। और ये मिशन है बहुत ही अच्छा है, और ऐसे ही सफाई होती रहती है तो बहुत ही अच्छा लगेगा, स्वच्छता भी मिले, गंदगी नहीं फैलेगी, बीमारी नहीं फैलेगी, और अच्छा साफ सफाई से अच्छा भी लगेगा। माय नेम राजवीर गुसाई, मैं उत्तराखंड से आ रहा,
मैं भी बेंगलोर जा रहा, अभी सफाई कर रहे थे तो काफ़ी अच्छा लगा देख के, तो मैंने भी सोचा थोड़ा बहुत मैं भी कर लूँ। मैं गार्ड निजामुद्दीन में हूँ और जहाँ पे जो निजामुद्दीन में सफाई वगैरह जो हो रही है बहुत अच्छी हो रही है। इनकी जो सेवा है इसका कोई मूल्य नहीं है, ये सेवा मन से है और जिन्होंने इसका संगठन गुरुजी ने किया था हम उनको बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि इन्होंने सफाई के क्षेत्र में जो इतना अमूल्य अपना सहयोग और जो इनके काम करने वाले हैं इतनी सेवा भाव से कार्य करते हैं जिसके लिए हमें कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। आज एक दफ़ा फिर हम सब यहाँ पे शत्रु का देश मानते हुए सेवा पे वॉलेंटियर्स सब आए हैं, सेवा दल के महात्मा संगत के रूप में भी और बहुत महात्मा यहाँ आए हैं और हर जगह जैसे शत्रु का ध्यान था वैसे ही ये सेवा सारी हो रही है। और जैसे माता जी ने फरमाया है कि हर एक ने आगे बढ़ना है शोल्डर टू शोल्डर और प्यार से सत्कार से, और सारी सेवाएँ जो हैं वैसे ही हमने निभानी है। जून को संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन और अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एनजीओस ने मिलकर गरीब बच्चों की प्रतिभाओं को निखारने हेतु निरंकारी पब्लिक स्कूल में एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जिसमें लगभग 300 बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा ड्रॉइंग, पेंटिंग आदि अनेक कलाओं को प्रदर्शित किया। SNCF volunteers and the volunteers of ISEC are, you know, performing some good event here today with in which students are like, you know, the kids are painting, they are drawing, and you know they're enjoying here at this event today. What do you want to say about this event today and the collaboration of ISEC with the SNCF? It's awesome to see that little children taking, I think, a good time here, like drawing, play together and listen to some music. This is very important. I think it's really great, like all the charitable organizations are helping the kids in so many ways, like they're providing education and not just education, maybe some information on sexual assault and other stuff, and it's really meaningful. अलग अलग एनजीओस के प्रतिनिधियों के अलावा एसएनसीएफ की ओर से इस अवसर पर फाउंडर मेंबर बहन बिंदिया छाबड़ा जी भी उपस्थित थी। एसएनसीएफ डायरी के बाद हर बार की तरह आइए मिलते हैं एक प्रतिष्ठित मेहमान से जो मिशन से प्रभावित होकर अपने विचार हमारे साथ साझा कर रही हैं। सेक्शन का नाम है एक खास मुलाकात और हमारी मेहमान है सिस्टर परमिंदर फ्रॉम द टोरंटो ब्रांच ऑफ द ब्रह्म कुमारीज। Talking to me now is Mrs. Parminder Aujla from Brahma Kumari organization right here in Toronto, Canada. Mrs. Parminder Aujla, thank you so much for coming to this tribute to humanness. What Sadhguru Baba Hardev Singh Ji taught us for many years, we are seeing that, you know, come into effect here. How do you feel about that? Well, it was a different kind of a feeling today coming here, because last year I remember when it was announced that it's going to be a big celebration, occasion, event. Everybody applauded so much, and it came as a shock. And when I think back, I met him personally as well. He was a very compassionate, humble person. And it seemed as if, when I met him, it felt as if I had known him for a long time. He even invited me to come to the ashram when I go to Madhuban. And I said, yes, I'm definitely going to go. And I'm going to go. His teachings, he practiced what he preached. That's what I felt, you know. It's a different kind of a feeling today, but that's the way sometimes it is, and we have no control over such a thing when it happens. When I was sitting there in the big hall, I felt the void, but then I felt
his presence somehow. I felt that he was very much present here, you know. And I know it's a big void there for the devotees, and such a big responsibility on Mataji. But I think that he has sown such seeds that the task has to go on and it has to be carried on. Deep down my heart, I think that this organization, this Sansatha, is going to really do much more, because he's not here, but in spirit, he's here. He's going to make sure that his task is completed the way he wanted it done. And I personally feel that in such a short time, he was able to take this organization to 2,000 centers worldwide. And his preachings of humanness, and with his compassion, his humility, he was such a humble person. You know, I think that his legacy is going to be there, and it's going to be to increase leaps and bounds. And honestly wish that it happens. Yes. Thank you so much, Paminder Ojlaji. With, you know, your good wishes, your presence, your support definitely means so much to us. And on behalf of Sant Nirankari Mission, I'd like to really thank you for giving us your time. Thank you very much for giving me the opportunity to say a few words. Dosto, ab samay hai apne antim section ki aur rukh karne ka, jisme hum aapko nirankari jagat ke prachar prasar mein kiye jane wale anek aise prayason ka sankshipt byora dete hain, जो निष्काम भाव से हजारों भक्त निरंतर करते चले आ रहे हैं. सभी के हृदय में प्रेरणा होती है सद्गुरु के उपदेश की, सद्गुरु के ज्ञान की. सद्गुरु माता सविंदर हरदेव जी के आशीष से ये सिलसिला गत माह इसी प्रकार चलता रहा. आइए जानते हैं इस रिपोर्ट की नज़र से. निरंकारी मिशन के प्रचार विभाग की ओर से वर्ष भर महिलाओं और बच्चों के आध्यात्मिक विकास हेतु समय समय पर महिला एवं बाल समागम आयोजित किए जाते हैं. इसी लड़ी में जून के महीने में स्थान स्थान पर बाल समागम आयोजित किए गए, जिसमें बच्चों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से सत्य का संदेश दिया. इसी प्रकार ये बाल समागम कानपुर, गोरखपुर, इलाहाबाद, चंडीगढ़ सहित देश के अनेक शहरों में आयोजित किए गए. इन समागमों में नन्हे मुन्हे बच्चों की प्रतिभा देखते ही बनी. भक्ति भरे गीत, व्याख्यान, कविता और लघु नाटिका के माध्यम से बच्चों ने आध्यात्मिकता के प्रति जन जन को जागरूक करने का प्रयास किया. मित्रों, न्यूज डिवाइन का ये अंक अब समाप्त होने जा रहा है, पर प्यार का, सत्य का, सहनशीलता का, करुणा का, भाईचारे का, एकत्व का और मानवीयता का सिलसिला कभी समाप्त नहीं होगा. क्योंकि जैसा सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी ने हमेशा हमें बताया कि अगर हर युग में बुराई रही है तो अच्छाई भी रही है, असत्य रहा है तो सत्य भी मौजूद था, अंधेरा था तो उजाले की मशाल भी कायम रही. आइए मिलकर प्रतिज्ञा करें कि सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के द्वारा प्राप्त अमृत की एक एक बूंद से अपना और इस सारे संसार के हर मानव का जीवन उज्ज्वल बनाएंगे और जीवन को सद्गुरु माता सविंदर हरदेव जी के आशय अनुसार प्रेमा भक्ति का सागर बनाएंगे. न्यूज डिवाइन की समस्त टीम के साथ अगली भेंट तक इजाजत दीजिए. राकेश को नमस्कार. धन निरंकार.